ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है स्क्रीन की। अब क्या करना है, ये ऑर्डर पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट करके जनरेट पिक लिस्ट। स्क्रीन को क्या बोला सर, ठीक है जनरेट पिक लिस्ट कर लिया था, तो ये निकल जाएगी, यहाँ आ गया ये। अब इस पर क्लिक करना है, टैग ऑर्डर एक और करना है ना, कॉपी पेस्ट कुछ करना है, पिक लिस्ट आईडी बताओ। हाँ पिक लिस्ट में ये पिक लिस्ट आईडी कहाँ है, ये कॉपी इंटर कर, उसके बाद इंटर। अभी एक और करना है, सेलर एस के यू आई डी नीचे वाली जो ये है, या तो ये है ये वाली, ये बड़ी वाली, दोनों में कोई डाल इंटर। इतना ही बोल गया था, ठीक है। अब क्या है, चारकोल फेस, चारकोल पे पास करना ना, पास नीचे, ठीक है। अब पैक यहाँ पे क्या डालना है, ये MYNT123 फिर प्रिंट भी, बस बस अपने आप एंटर मार दे, हो जाएगा एंटर मार, प्रिंट हो जाएगा, कुछ नहीं करना, प्रिंट हो जाएगा ना, एंटर मार, प्रिंट करना है। मैं एंटर मारा, वहाँ पे लेबल और इनवॉइस प्रिंट हो जाएगा, बस ये ग्रीन रहना चाहिए। अगर मान लो कुछ गलत आता है तो रीप्रिंट, लेकिन उससे पहले सब चेक कर लेना, कोई गड़बड़ तो नहीं है प्रिंटर में या स्क्रीन है सब, ठीक है। अब इसमें लेवल कौन सा है, इनवॉइस कौन सा है मालूम पड़ता है, ये तो ये इनवॉइस है, वो लेवल है, अंदर जाएगा वो लेवल है, इसके लेवल है, ठीक है। इसी में लिखा है कौन सा प्रोडक्ट है, और यहाँ भी देख सकते हैं चार रुपए पीस, ठीक। अगर एक आदमी दो क्वांटिटी ऑर्डर करता है तो इसमें दो लेवल निकलता है, अलग अलग ही इम्पैक्ट होगा। अच्छा अलग अलग ही पैक होंगे। अब ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ,